बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आ रही है। दिल्ली में 69वां एबीवीपी का महाधिवेशन संपन्न हुआ। गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें शामिल हुए। उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सभी को शामिल होने को कहा। एबीवीपी 50 लाख सदस्यों के साथ सबसे बड़ा संगठन बना है। 7 प्रस्ताव हमने अधिवेशन में पारित किए हैं। एबीवीपी परिसर चलो अभियान चलाएगा। कल से हमारा मौन प्रदर्शन चल रहा है। एबीवीपी ने वीसी की जान बचाई है। न्यायालय को संवेदना दिखाते हुए हमारी कार्यकर्ताओं का केस वापस लेना चाहिए। आगे की रणनीति के तहत कल से ग्वालियर में हम कॉलेज बंद रखने का आह्वान करेंगे। वीसी की जान बचाने का प्रयास का हम स्वागत करते हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने हम निरंतर प्रयास करेंगे। छात्र संघ चुनाव हमारे प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से हो। शालिनी वर्मा, राष्ट्रीय मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अमृत महोत्सवी वर्ष एबीवीपी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में संपन्न हुआ है। 7 से 10 दिसंबर तक इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के 8,500 से ज्यादा विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे और एक टेंट सिटी इंद्रप्रस्थ नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे, जिन्होंने कहा कि मैं एबीवीपी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूँ और देश के सभी विद्यार्थी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर सभी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो, ऐसा भी उन्होंने आग्रह किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने कुल 7 प्रस्ताव भी पारित किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाए युवा, विवेकशील विकास, पर्यावरण संतुलन आवश्यक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं जीवंत परिसर हेतु उठाए जाए ठोस कदम तथा वैश्विक कल्याणकारी भारतीय कूटनीति शीर्षक तथा राम मंदिर व नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल शीर्षक, ऐसे 2 प्रस्ताव भी हमारे एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित हुए हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में प्राध्यापक यशवंतराव केलकर पुरस्कार भी 3 समाज सेवियों को दिया गया। इस यशवंतराव केलकर पुरस्कार में रजत शर्मा जी, जो देश के वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी उपस्थित हुए थे। एक भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से दिल्ली की सड़कों पर भी युवा तरुणाई ने भारतीय संस्कृति का परिचय दिया है और आगामी कुछ दिनों में आनंदमय सार्थक कैंप सार्थक विद्यार्थी जीवन बने और विद्यार्थी कैंपस तक जाए और विद्यार्थी परिसर तक पहुंचे, इसलिए एबीवीपी जनवरी माह से परिसर चलो अभियान भी चलाएगी। विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में देश के विद्यार्थी श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन दीपोत्सव बनाएगा और भगवान श्री राम के जीवन को, अपने जीवन में उनके चरित्र को उतारेगा, ऐसा भी एक अभियान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चलाने वाला है। इस प्रकार से एक सकारात्मक दिशा और राष्ट्र पुनर्निर्माण के उद्देश्य को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह राष्ट्रीय अधिवेशन सम्पन्न हुआ। हमने पिछले प्रदेश अधिवेशन में भी छात्र संघ चुनाव की मांग की थी। उसके बाद भी हमने बीच में भी, जब हमारे विधानसभा चुनाव के पहले भी हमने एक बार मांग की थी कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। अभी नए सेशन में हम दोबारा से सरकार से ये मांग करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव हमारे प्रदेश में आयोजित कराने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने जो काम जो किया है, विद्यार्थी परिषद अपनी 75 साल की यात्रा में व्यक्ति और चरित्र निर्माण करने का काम करती आई है और ये विद्यार्थी परिषद के संस्कार है जिसके कारण विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने ये कदम उठाया है और इसकी सराहना करने के साथ में विद्यार्थी परिषद देश भर की विद्यार्थी परिषद कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है और न्याय की लड़ाई को हम अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे। सेशन से हमारी याचिका खारिज हुई है, हाई कोर्ट में हमने लगाया है, लगभग मंगलवार या बुधवार को इसकी सुनवाई होगी। हम तो ये मांग चीफ जस्टिस से ये मांग कर रहे हैं कि छात्रों ने जो काम किया है वो मदद करने की भावना से काम किया है, इस भाव को समझते हुए मानवता के नाते उन छात्रों को न्याय दिया जाए और यह केस वापस लिया जाए। हम विद्यार्थी परिषद शुरू से ही प्रत्यक्ष प्रणाली की छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करती है। पहले भी जब 2018 में छात्र संघ चुनाव हुए थे तो हम पूरे प्रदेश भर के 540 में से 480 से ज्यादा विद्यार्थी परिषद कॉलेज जीता था। उसके बाद जब प्राइवेट में भी चुनाव हुए थे तब भी विद्यार्थी परिषद ने अपना परचम ले रहा था और हमारे मध्य प्रदेश की अधिकांश यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का परचम ले रहा था। विद्यार्थी परिषद दोबारा सरकार से यही मांग करती है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र नेताओं को एक अवसर मिलना चाहिए कि वो हमारे कैंपस की दिशा निर्धारित कर पाए, इसलिए विद्यार्थी परिषद शुरू से ही प्रत्यक्ष प्रणाली के लिए छात्र संघ चुनाव करने की मांग करती है।